हमारे सबके लिए ये पुण्य का अवसर है और हमारे सबका ये सद्भाग्य है कि भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन और भी आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है और यही संभावनाओं को देखते हुए हम ये सुबह और शाम का जो सत्संग है हिंदी और गुजराती में वो कंटिन्यूअस रखेंगे और आप सबको इसका लाभ सतत मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है, अच्छी बात है लोगों की ये विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ती हुई देखकर हमको भी आनंद हो रहा है और हमारी भावना को परिपूर्ण होते हुए देखकर हमको भी लगता है कि ये हमारा जीवन धीरे धीरे एक आध्यात्म विज्ञान की हैसियत से ये सफल हो रहा है, क्योंकि आप सब धीरे धीरे विज्ञान की दृष्टि पर अपने आप को जोड़ दिया है, या तो आपकी दृष्टि को आपने साइंटिफिकली मोड़ दे दिया है और इसीलिए ज्यादातर आपको ये विज्ञान समझने में आसानी हो रही है। नहीं तो ये कलयुग के अंदर और खास करके कोई भी धर्म संप्रदाय के अंदर आप जाओगे तो ये विज्ञान की बात सुनने को मिले, सोचने को मिले, समझने को मिले, ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए मेरे को इतने सालों से आप सबको ये विज्ञान समझाने में भले ही कठिनाइयां आई, संघर्ष आए, मेहनत करनी पड़ी, कहीं सारे लोग ये विज्ञान के ऊपर बिगिनिंग में शक भी करते थे, विरोध भी करते थे, मगर आज विचारक लोग धीरे धीरे समझ में उनको आने लगा कि आखिर कोई भी प्रश्न का परमानेंट सॉल्यूशन ये सनातन सत्य से या आध्यात्म विज्ञान या कुदरत के कानून के सिवाय हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी साइन है हमारे सबके लिए कि कम से कम देर से तो देर सही, मगर लोगों ने इन विज्ञान को वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली विजन से जो इसको समझने का प्रयास किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी आधार पे मैं कहता हूं कि ये अध्यात्म विज्ञान का, लोक कल्याण का भावी, जगत कल्याण का भावी बहुत उज्जवल है और ये हम सब मिलकर हमारी सभी व्यक्तियों की भावना और प्रयासों से हजारों लाखों लोगों तक ये विज्ञान भविष्य में जाने वाला है। तो आइए हम सब आज भी यही विज्ञान को समझने के लिए, सुनने के लिए और भी आप सब उत्सुक है, मैं भी समझता हूँ। तो आइए हम सब अपने ही प्रश्नों का आध्यात्म विज्ञान से समाधान पाने की कोशिश करें और हम सब आगे बढ़े, यही मेरी सद्भावना। जय सच्चिदानंद। गीता चौहान जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपने बताया कि प्रतिष्ठित आत्मा ना डिस्चार्ज में उसको समझ होती है, अनुभव होता है, ना चार्ज में अनुभव होता है। अनुभव किसको होता है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? अलवर से बोल रही हूँ स्वामी जी, मैं बात करती हूँ आपसे फोन पे। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप जरा प्रश्न रिपीट कीजिए प्लीज। प्रश्न ये था स्वामी जी कि कल एक पोस्ट आया था कि प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज हो या डिस्चार्ज हो,
कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है, समझ सकता है, तो फिर अनुभव कौन करता है? जैसे हमारा पंखा चालू है या बंद है, मगर घर की अवस्थाओं का फैन अनुभव नहीं कर सकता है, कर सकता है? नहीं कर सकता। चालू है तो भी नहीं करेगा, बंद है तो भी नहीं कर सकता। ऐसे प्रतिष्ठित आत्मा मूल रूप से ही विनाशी है, मूल रूप से ही अज्ञान के ऊपर आधारित है, और हमारी जो प्रकृति है वो तो कुदरती रचना है ही, तो दोनों में से एक भी चेतन अविनाशी रूप आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? फिर अनुभव कौन करता है तो स्वामी जी? हाँ, अनुभव कौन करता है? खुद ही अनुभव करता है, आत्मा खुद ही खुद का अनुभव करता है। मगर कब? जब प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञान वाला ऑप्शन के साथ उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो आत्मा को आत्मा का ही अनुभव होता है। ये तो एक करते ही नहीं हो गया जो हट गया। आप एक मिनट, आप एक व्यक्ति के रूप में है, ठीक है, आपका जन्म हो गया और बचपन से आपने माँ बाप ने आपको छोड़ दिया है, और आप 2 महीने की थी तब एक व्यक्ति ने, एक साधु ने, संत ने, या तो सन्यासी ने आपको बड़ा किया। अभी वो आप एक झोपड़ी में रहती है और अपना जीवन गुजारा कर रही है, साधना कर रही है, खाना पीना खा रही है, सब कुछ कर रही है, मगर वो झोपड़ी के अंदर ही कर रही है। तो आपका जीवन पूरा झोपड़ी में ही बिता हुआ है, तो अभी आपको दुनिया में कितने सारे लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया का ज्ञान क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, धार्मिक जीवन क्या है, उनकी बातें आपको मालूम नहीं होगी दुनिया में होते हुए भी, क्योंकि आपकी रेडियस क्या है? सेपरेट झोपड़ी है। ऐसे जब प्रतिष्ठित आत्मा का रेडियस ही विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना है, अनुभव करना है, अविनाशी को अनुभव करना है, ये उनका रेडियस भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही अज्ञानता से पैदा हुआ, और अज्ञान जब खत्म हो जाता है तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद ही तो आत्मा का अनुभव होता है आत्मा को, नहीं तो विकल्प विकल्प होता है। क्या होता है? विकल्प। जैसे जैसे व्यक्ति परिवार में पैदा होती है तो पहले विकल्प क्या होगा, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे चाचा है, चाची है, जो भी परिवार के लोग, वो भी आपको, मतलब आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद जब शादी करोगे तो हस्बैंड का, सास का, ससुर का, दियर देरानी जेठानी और उनका परिवार है, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ आपके फ्रेंड है माता पिता, वो फ्रेंड, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। बस शादी करने के बाद वहां जाओगे तो वहां के फ्रेंड का भी ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ का समाज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वहां का समाज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो आपकी रेडियस क्या हो गई? बढ़ गई। अभी आप कहोगे कि मैं जैसे आपका नाम गीता है, तो अभी गीता है उसको याद रखू कि इतने सारे लोगों को मैं संभालू? तो आपको अटेंशन कहाँ देना पड़ेगा? जब मेरे सामने माताजी आएगी तो वहां अटेंशन देने पड़ेगा, पिताजी आएगी तो वहां अटेंशन देने पड़ेगा, भाई बहन आएगा तो वहां अटेंशन देने पड़ेगा, हस्बैंड आएंगे तो वहां अटेंशन देने पड़ेगा, बच्चे आएंगे तो वहां देने पड़ेगा, सास ससुर आएंगे तो वहां देने पड़ेगा। उस समय आप होते ही आपको भूल जाना है, तभी दूसरे पर अटेंशन दे सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया स्वामी जी। हाँ, मगर जब कोई नहीं है तो आप अपने आप आपको भूल भी नहीं पाओगे, क्योंकि और ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। तो जब आत्मा के पास प्रतिष्ठित आत्मा का अज्ञान रूप ऑप्शन नहीं है, तो फिर आत्मा आत्मा में ही रहेगा। आप समझे कि नहीं? विकल्प है वहां तक कर्टेन है, विकल्प नहीं है तो वो तो खुद ही है। पर स्वामी जी, विकल्प कैसे खत्म हो? अब विकल्प तो है ही ना, कर्टेन भी है, विकल्प भी है। तो विकल्पों को नाश करने के लिए ही तो कुदरती रचना की बात मैं बता रहा हूँ। जब कुदरती रचना में कौन सा विकल्प रहेगा आपका?
कुदरती रचना में कोई नहीं रहेगा, लेकिन उसके उसको तो कुदरती रचना तो जब समय समय पर निकलेगी तब वो अज्ञान खत्म होगा, जब वो संयोग आते जाएंगे तब खत्म होगा, तो वो तो लाइफ ही चला जाएगा। फिर हमको वास्तविक जो आत्मा का आनंद का अनुभव है वो हमें कैसे मिले प्रेजेंट में? मैं, तो अज्ञान की भी लाइफ, अज्ञानी की लाइफ भी वही है डिस्चार्ज में, और ज्ञानी की लाइफ भी डिस्चार्ज में ही है। फिर हमें वो ज्ञान लेने का फायदा क्या हुआ? वो प्रेजेंट महसूस होना चाहिए ना हमें। हाँ, तो देखो सिंपल बात ये है कि भी हमको प्रेजेंट में आत्मा का अनुभव होना चाहिए ना, अगर ज्ञान लिया है या तो विज्ञान है और अज्ञानी, फर्क क्या रहेगा? तो फर्क इतना रहेगा, अज्ञानी अपने कर्मों के भुगतान तो कर रहा है और नया राग द्वेष करके, नया कसाय करके, नया कर्म चार्ज कर रहा है। विज्ञानी लोग कर्मों की भुगतान तो अज्ञानी की तरह ही कर रहा है, मगर नए कर्म वो चार्ज नहीं कर रहे, और जो भी कर रहे वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर रहे। दूसरी बात, अज्ञानी को मन वचन काया की भुगतान मन वचन काया तो होती है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा भी मन वचन काया की भुगतान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि मैं मन वचन काया से मुक्त हूँ। आपको मालूम है तो आपके मन वचन काया तो भुगतान करेंगे, मगर आपका अंतस्करण वो भुगतान नहीं करेगा लाइव को, क्योंकि उसको मालूम है मैं उनसे मुक्त हूँ। आप समझे कि नहीं समझे? तो विज्ञान हमें विज्ञान समझोगे तो फर्क मालूम होगा, नहीं तो फर्क कैसे मालूम होगा? जब राम यहाँ खड़े हैं, कृष्ण यहाँ खड़े हैं, महावीर यहाँ खड़े, तीनों फिजिकल फॉर्म में खड़े, डिफरेंस क्या मालूम होगा? कोई नहीं होगा, नहीं होगा। अंदर की दशा है वही तो डिफरेंस है, बाहर तो उदय कर्म है। तो उदय कर्म में राम कहो, कृष्ण कहो, महावीर कहो, सबको अपना अपना कर्म की भुगतान है, मगर अंदर की जो दशा है वही तो उनका अनुभव है, वही तो उनका स्टेटस है। आज हम राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, महावीर को भगवान मानते हैं, वो उनकी दशा के आधार से मानते हैं, बाकी वो खाते थे, पीते थे, सोते थे, वो तो हम भी करते हैं, तो क्या हमको भगवान मानेंगे? नहीं मानेंगे। उनकी आंतरिक दशा, अनुभव की दशा, उनका आंतरिक ज्ञान, दर्शन और चरित्र, वही तो उनकी कैपिटल है, तभी तो हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं। बार तो वो हमारी तरह जी रहे थे, वो भी उनके कर्मों की भुगतान करते थे, हम भी अपने कर्मों की भुगतान करते हैं, तो बार तो सब इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया स्वामी जी, लेकिन ये माना कि उनकी जो अंतर दशा थी वो तो बहुत हाई लेवल की थी, तब उनको भुगतान में उनको किसी प्रकार का सफरिंग नहीं था। हमारी अंतर दशा हाई लेवल की नहीं है तो भुगतान में सफरी आता है। देखो देखो, बाप डॉक्टर हो चुका है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बेटा 5 साल का है, उन्होंने कहा कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है पिताजी की तरह, तो भी उनको बाल मंदिर में ही जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आगे समझ में। तो फिर उनको भी डॉक्टर बनना है, ये डॉक्टर है उसको बनना है, तो फिर डिफरेंट क्यों है फिर? क्योंकि वो अभी बाल मंदिर में ही जा रहा है ना। हाँ, पर नहीं, मगर वो बाल मंदिर में क्यों जाना पड़ेगा उनको? तो उनको डॉक्टर बनना है, तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो राम ने कर दिया था, आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं समझ में आया? हाँ। आप कहेंगे नहीं मैं तो सीधा राम बन जाऊंगा, कृष्ण बन जाऊंगा, नहीं, शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, डेस्टिनेशन मेरा ये है। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। ओके, लेकिन ओके। एक बात और रह गई कि हमारे कर्म चार्ज नहीं होते, जैसे भुना हुआ चना, जैसे चना भुन जाता है तो उसमें कभी अंकुरण नहीं फूटता, ऐसे ही हमें हमारे में भी माना कि कर्म चार्ज नहीं होते, उसको हम कैसे समझें? नहीं, कर्म चार्ज नहीं होते हैं वो किसने कहा ऐसा? हाँ, वो ऐसा किसने कहा चार्ज नहीं होते? किसी ने कहा नहीं है, लेकिन जब माना ज्ञान मिलने के बाद जब मुझे ये मालूम चला कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और अब मेरा जो है चरित्र मोह है जो निकल रहा है, वो निकाली वाला जो मेरा भाव है
वो निकल रहा है लेकिन कर्म चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा, मैंने पद प्राप्त किया। तो ये मैं जानना चाहती थी कि क्या हम सही हैं कि हमारा कर्म चार्ज नहीं हो रहा, सिर्फ निकल रहा है। महावीर का कर्म चार्ज होगा या नहीं होगा? महावीर भगवान तो केवल ज्ञान की दशा में थे, तो उनका तो नहीं होगा। नहीं, वो तो पैदा होने के बाद 42 इयर्स के बाद उसको केवल ज्ञान हुआ, मगर उसको कर्म चार्ज होता था कि नहीं होता था? स्वामी जी, उस जन्म में तो शायद उनको नहीं होता होगा, जैसा आप से बताया है सुना। और राम को कर्म चार्ज होता होगा? नहीं, राम को तो कर्म चार्ज हुआ नहीं, तभी तो मोक्ष चले गए। एक मिनट, राम को कर्म चार्ज नहीं होता था तो मोक्ष में गए, महावीर को कर्म चार्ज नहीं होता था तो मोक्ष में गए, तो आपको भी कर्म चार्ज नहीं होता है तो आप मोक्ष में जाओगे ना, तो पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है अभी। स्वामी जी, वो तो आपकी कृपा का ही पात्र रहेंगे तो ही कर्म चार्ज नहीं होंगे, नहीं तो होंगे। गोल गोल घुमा देते हैं, नहीं तो कर्म चार्ज होना, कर्म चार्ज होना, न चार्ज होना, वो पुरुषार्थ की बात है या किसी की कृपा की बात है? अगर अगर राम ने सीता के ऊपर कृपा कर दिया होता तो उनका भी चार्ज नहीं होता, तो वो भी मोक्ष में चले गए होते। अगर कृपा से ही होता होगा तो बात है स्वामी जी, बात। एक मिनट, महावीर की धर्म पत्नी भी अभी यहाँ है, सीता जी भी यहाँ है अभी, तो आपको बात स्वीकारना पड़ेगा कि कृपा से नहीं होता, ये बात स्वीकारना पड़ेगा, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सीता जी के पुरुषार्थ में कहाँ कमी थी? तो फिर क्यों मोक्ष में नहीं गए? ये तो मैं नहीं जानती। तो सीता जी नहीं गए, वो तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? स्वामी जी, तो आप लोग ही बताते हैं, हमें तो क्या पता है, राम भी मोक्ष गए, सीता गई मोक्ष, हमें तो नहीं पता ना। मैंने वही बताया कि स्कूल में जाते हैं तो हम टीचर ही बताते हैं, वो हम स्वीकार करते हैं, हमने तो देखा नहीं है, फिर भी मानते हैं। हम जब धार्मिक स्थान में जाते हैं तो धार्मिक कहानी कहते, वो भी हमने नहीं माना है, हमने सिर्फ इसको माना ही है कि जो कहा है वो सही है, हमको तो नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमने कहा वही आप मानते, उसमें गलती नहीं है, क्योंकि फ्रॉम बर्थ तो आप ऐसा करते हैं। स्कूल में गए तब भी लोगों ने कहा वो आपने स्वीकार किया, माँ बाप ने कहा वो स्वीकार किया, समाज ने कहा वो स्वीकार किया, धर्मगुरु ने कहा स्वीकार किया, तो आप स्वीकार करते ही रहते, तो कोई नई बात नहीं है ये। मैंने भी कहा आपने स्वीकार कर लिया तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये तो परंपरा है। प्रश्न ये है कि हम सिद्धांत को क्यों नहीं स्वीकार करते, ये प्रश्न है। जब हमको कर्म नहीं चार्ज होगा तो हम मोक्ष में जाएंगे नहीं, तो फिर ना बोलते हैं। और राम को चार्ज नहीं होता तो मोक्ष में गए, महावीर को चार्ज नहीं होता तो मोक्ष में गए, हमको चार्ज नहीं होता तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, तो प्रिंसिपल क्यों चेंज हो गया? प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनकी दशा और हमारी दशा में अंतर है, इसलिए डाउट है, प्रिंसिपल में कुछ नहीं है। जब आपने रिजल्ट दे दिया कि मेरे को कर्मचार नहीं होता है, उनको कर्मचार नहीं होता है, डाउट को छोड़ दो, इतना तो कंफर्म है नहीं, चार्ज नहीं होता है। वो तो आप ही बताएंगे चार्ज होता नहीं, वही तो पूछ रही थी मैं आपसे। तो वही कहना है, तो आपको पहले आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि स्वामी जी, ये ज्ञान पाने के बाद या विज्ञान उपयोग करने के बाद हमको कर्म चार्ज होगा कि नहीं होगा, पहले ये प्रश्न करना चाहिए। ये स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए कि हमको ज्ञान के बाद कर्म चार्ज नहीं होता है, तो वो तो स्टेटमेंट फाइनल हो गया, वो क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप नहीं समझे? अब समझ गए। तो प्रश्न का अब आप बताओ उसका। तो कोई भी व्यक्ति लास्ट बर्थ के पहले, लास्ट बर्थ यानी जिस बर्थ में केवल ज्ञान होके मोक्ष में जाने वाले हैं, इसको लास्ट बर्थ कहते हैं। उसके पहले जितने भी बर्थ आएंगे, जन्म मरण आएंगे, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, महावीर है, उनके अगले सभी भवों में कर्म चार्ज होना अनिवार्य है। तभी जन्म मरण होगा। एक बार कहोगे कि कर्म चार्ज नहीं होंगे, फिर बोलता है मेरा जन्म भी होने वाला है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये बात हमको पहले समझ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति की बात सुनने से पहले, भले सुनो, स्वीकारने से पहले सोचो कि ये बात में कोई सिद्धांत है या रिलेटिव व्यू पॉइंट से बताया है। तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो कोई भी बात हमने बताए सुनना चाहिए, मगर स्वीकार करो ये बात कि अगर सनातन सत्य के सिद्धांत के ऊपर ठीक लगता है तो स्वीकार करो, नहीं तो बाईपास करो, खत्म हो गई बात। हमको इसको गलत कहने की जरूरत नहीं है।
मगर स्वीकार करने से पहले सोचो। समझी? एक बार हमने स्वीकार कर लिया, फिर 10 साल के बाद हमको मालूम हुआ कि नहीं निकर्म, तो चाहे होता है तो तुम्हारा 10 साल तो गलत ज्ञान बेकार गया ना, बेकार गया कि नहीं गया। तो इसीलिए कहता हूँ, सुनो कहीं भी, पढ़ो कहीं भी, मतलब उसके बाद स्वीकार करने से पहले सोचो, क्योंकि स्वीकार करने के बाद आप फॉलो करोगे। जब सुना है और स्वीकार नहीं करोगे, वहां तक आप फॉलो नहीं करोगे। तो स्वीकार करने से पहले सोचो हर बातों को कि ये सनातन सत्य से जुड़ी है या व्यवहार सत्य है। व्यवहार सत्य है तो व्यवहार सत्य एक एंगल से करेक्ट है, मगर मेरे काम की बात नहीं है। मेरा विजन सनातन सत्य को ही मानना और फॉलो करना मानता है। तो स्वामी जी, ये बात तो हमको आपके, जब हम संपर्क में आए हैं, जब हमने आपका ये वाला अब सत्संग सुना है, तब हमको व्यवहार में जो सत्य बात है और अब जो डिफरेंस है ना, वो तो हमें अब समझ में आया है। तब से तो हम जो सुनते थे उसी को तो मानते थे, क्योंकि हम तो अननोन थे ज्ञान विज्ञान के बारे में। तो हमें तो इसीलिए फिर आपको जो भी प्रश्न करना है, जितना भी प्रश्न करना है, उसमें पहले आपको ये करना चाहिए कि हमने ऐसा सुना है या तो पढ़ा है, तो स्वामी जी कुदरती रचना के रूप में या सनातन सिद्धांत के आधार से ये बात सही है या नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न बिना करेक्शन पूछना चाहिए, क्योंकि हमको कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए ठीक बात है स्वामी जी, ठीक है ना। हाँ, तो अभी जो भी बात आपने पहले सुनी है या पढ़ी है, मगर जो आपने सिद्धांत के रूप से स्वीकारी नहीं है, या तो सिद्धांत के रूप से आपने समझी नहीं है, तो उनको इन भविष्य में भी प्रश्न करोगे, तो ऐसा करने का कि स्वामी जी मैंने ये बात सुनी है या तो पढ़ी है, फिर भी मेरे को सनातन सिद्धांत के आधारित है कि नहीं वो नहीं मालूम है, तो आप ही बताइए कृपा करके कि ये सिद्धांत के आधार ऊपर है या व्यवहार सत्य के ऊपर है, इतना बताइए बस, फिर मेरा पड़ जाएगा आपको बताने का। स्वामी जी, अब हमको प्रेजेंट लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए तो केवल ज्ञान की ओर हमारा हमारा मतलब जीवन उस सत्यता की ओर धीमे धीमे चलता चला जाए, अभी हमें क्या करना है? बस वही जो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि मन वचन काया आपके या आपके सामने कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया, जो इस संसार में जो लोग हमारे परिचय में आते हैं, सभी व्यक्तियों का मन वचन काया अगर कुदरती रचना से देखने का प्रयास करोगे तो किसी व्यक्ति के प्रति राग या द्वेष नहीं होगा, क्योंकि कर्ता भाव और मालिक की भाव नहीं होगा। और जब कर्ता भाव मालिक की भाव धीरे धीरे खत्म होगा, आपके अंदर से भीख और भय खत्म हो जाएगा, और वो कुदरती रचना को देखते देखते ही अपने आप को निश्चय करना है कि अगर ये मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है तो मैं कौन हूँ? तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं हूँ। बस यही विजन बार बार हर अवस्था में पक्का करना है, कैसे भी करके। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, कैसे कैसे भी करके, तो मतलब इतना हमारा आत्म पावर, वहां कृपा की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं, मेरा ये विज्ञान को फॉलो करने के लिए मेरा आशीर्वाद है, मगर आपका प्रयास और निश्चय होना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बस बस, आवाज बराबर आवे जो? मैं क्या बोलता हूँ कि जो आप बताते हो कि ये मार्ग कृपा का नहीं है, कहीं ना कहीं आपको संघर्ष सब बाबत में पूरा समझ के करना ही है। तो हम भी ये समझते, भले पहले हमने सुना कि आपको ज्ञान इसके लिए ये टिकता नहीं है कि आपको ये कृपा से मिला है, तो उसको हम अभी चलो इतना आगे जाके ऐसा समझते कि कृपा नहीं होगी, कहीं ना कहीं हम उसको हमारे लेवल से पचाने में कामयाब थे या हमारी पुण्याएं थी तो हमको मिला, भले निमित बारी बारी जैसे जैसे हम पढ़ते गए, जैसे शुरुआत में कोई और मिला, कोई और मिला, फिर आप मिले,
तो इस तरह से हमारा प्रोग्रेस होने का था, तो अच्छे टीचर भी मिलते गए। तो अभी प्रश्न एक मैं ये समझना चाहता हूँ कि मन वचन काया की एकता नहीं है, इसके लिए अभी इतना अनुभव होकर भी अपने को फीलिंग में नहीं आ रहा है, क्योंकि काल ऐसा हो रहा है और काल भी ऐसा है और बॉडी भी ऐसा है कि फीलिंग अंदर रहता है लेकिन अपने दिल कहता है, दिमाग कहता है नहीं है, इस तरह की हालत है। तो क्या फीलिंग में नहीं आता है? जैसे कोई व्यवहार जो भी बनता है पूरे दिन में, कभी कभी ज्ञान में रहते हैं टू टाइम, कभी कभी नहीं रहते, कभी कभी बाद में रहती है, तो दिल कभी कभी क्या कहता है कि ये इसी तरह की प्रोसेस है, इसमें चिंता मत करो, अपने एक्चुअल तो ज्ञान में है ही, लेकिन टाइम इसके लिए नहीं रहता है कि थोड़ी बहुत अपने मेहनत में भी कामयाब नहीं है और थोड़ा बहुत काल भी ऐसा है कि हम भी प्रॉपर नहीं है, इसके लिए तो ये काल में है। तो ये जो जवाब हमको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बुद्धि हमको सेटिस्फेक्शन देती है या सही जवाब है? नहीं, जवाब सही है, मगर हमको समझना है कि कैसे भी करके सही जवाब होते हुए भी हमको अपनी कमजोरी को खत्म करना है, इसके पीछे पड़ना है, सिर्फ जवाब का संतोष मान के बैठना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा कि आपको केवल ज्ञान तो होने वाला है, भले ही आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हैं, तो एक दिन तो आप पीएचडी होने वाले हैं, अगर आपका पीएचडी होने का मकसद है तो होगा, मगर आज फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऐसे भी करके धीरे धीरे आप पीएचडी हो जाएंगे, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम अटेंड होके अटेंशन देके अच्छा मार्क पास करके फिर सेकंड में जाए, उसमें भी अच्छा अटेंशन देके अच्छा मार्क पास करके फिर थर्ड में जाए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैकेनिक होता है उसका मतलब ये नहीं कि आपको अवेयरनेस कम करना है, अवेयरनेस तो हर एग्जाम को पास करने के लिए होना ही चाहिए, सो यू हैव टू अवेयर ऑल द टाइम ऑल सरकमस्टेंसेस, यही आगे बढ़ने का मार्ग है, फिर धीरे धीरे होगा, अपने आप होगा, ऐसा मान के आपको शांति से बैठना नहीं है, नहीं तो अज्ञान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। बराबर, समझ गया। और कभी कभी ये आप से सुना नहीं है, किसी और से सुना है कि भाई ये ज्ञान कलयुग में दिया है, इसके लिए आपको इस तरह का वेरिएबल हो रहा है, मगर मानो यही ज्ञान सतयुग होता और आपको मिलता तो वही जन्म में आपका मोक्ष हो जाता, उसको क्या समझे? ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। समझ गया। तीर्थंकर को देने के बाद भी, तीर्थंकर की हाजिरी में दीक्षा लेने के बाद भी लाखों साधु उसी अवतार में या तो उसके बाद 10 अवतार में मुक्त में नहीं जाते हैं, ऐसे हजारों उदाहरण शास्त्र में है। वो तो समझ में आता है कि मानो जिस तरह तो बोलते हो, उदाहरण सब कुछ कहता है कि नहीं होता है कलयुग में, नहीं होता है, आपको प्रूफ मिल गया और कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति ने बात कहा वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है, खत्म हो गया। वो तो पूरा पोस्टरेस साहब जी समझ में आता है कि जैसे सतयुग में आप बोलते हो ना कि वहां पर भी मोक्ष पाने वाले कम थे, तो वो समझ में आता है कि जो लोग नए नए आए हैं सतयुग में वो पूरा अनुभव करेगा उसको कलयुग, क्योंकि हम लोग तो कलयुग में तब के आए हैं, इसके लिए हमको जरूरत है मोक्ष में जाने का, क्योंकि हम तब के आए पूरा चक्कर काट के, और जो लोग वहां नए 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 आए उसको तो महावीर क्या और कृष्ण क्या, वो तो वही मजे में ही रहेंगे। बराबर, आदमी को मार तो यही युग में पड़ता है और प्रोडक्ट भी यही युग में तैयार होती है। जी 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 सर, और एक और पूछ लूं? बोलो बोलो बोलो। जो जितने भी हम जहां कहीं भी घूमे तो सबको हमने उस वक्त ही समझ में उसको ही सबसे बड़ा टीचर माना और उसको ही सबसे बड़ा भगवान माना या गुरु माना, बराबर है? अब उस सब घूम फिर पे आज हमारा दिमाग और दिल सिर्फ आपके अल्फाज पे चल रहा है, तो ये बात आप इतनी श्योरिटी है कि आपने जो दिया है उसमें आंख बंद करके घुस पे चले जाओ, हमारा रास्ता बिल्कुल ही परफेक्ट जा रहा है। मगर
पहले गलती क्या किया आपने वो बताओ मैं आपको। जब भी हमको गुरु मिला, टीचर मिला और उन्होंने पढ़ाया और हमने भी अच्छी तरह अटेंशन दे के पढ़ा, उस समय हमने ये माना कि ये अंतिम टीचर है, वो हमारी गलती हो गई। टीचर सही पढ़ा रहा है मगर ये लास्ट स्टैंडर्ड का टीचर है, वो मानने की जरूरत नहीं थी। वो अपने स्टैंडर्ड का टीचर है और हमको पढ़ा रहा है, हम पढ़ भी रहे, फिर पास होके आगे जाना है, नया टीचर को पकड़ना है। ये एंगल सदा जागृत खुला होना चाहिए, मगर नहीं रखा, ये हमारी गलती हो गई, तो भटकना ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, वो आपका बात बिल्कुल परफेक्ट है। उसको इस तरह से चलो बोलने में गलती हुआ, लेकिन समझते तो आज समझण होने के बाद यही समझते है कि हम प्रोग्रेस होके होके आते, उसकी अपने विराधना नहीं करते। विराधना किसी की नहीं करने की है, मगर नहीं नहीं नहीं, नहीं करते है। लेकिन मगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर को अगर हम पीएचडी का टीचर मान ले, वो तो हमारी गलती है ही ना, वो गलती है। लेकिन जो टीचर गलत है वो नहीं कहने का है, सही है, मगर ओनली फॉर द टू पास द फर्स्ट स्टैंडर्ड, नॉट फॉर द सेकंड स्टैंडर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका अहोभाव लास्ट तक रखना है कि वो बाल मंदिर में पास हुए तो आपसे मिले। सबका रखना है, सबका रखना है। जैसे जैसे कहीं पर भी ज्ञान मिला, कहीं से भी शुरुआत हुई, लेकिन वो आप तक पहुंचाने का जरिया तो वही था। अब आप अपने इसको झूठ नहीं बोल सकते, उसको रिस्पेक्ट में नजरअंदाज करके फिर अपने को आगे बढ़ना है। हाँ, वो तो पूरा सिस्टम समझ में आ गया सर जी। बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं क्या होता था कि आपको मिलके फिर उसकी विराधना कर देते कि इन लोगों को अपने को आज तक गलत समझा दिया, लेकिन वो आपसे पूरा समझ गए। बराबर बराबर, ओके 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 ओके, जय सच्चिदानंद। नारायण भाई, हाँ बोलिए बोलिए, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गांधीधाम। ओके ओके स्वामी जी, अज्ञान, सूक्ष्मतर अहंकार और घाती कर्म एक ही है क्या? अज्ञान, सूक्ष्मतम अहंकार और घाती कर्म। सूक्ष्मतर अहंकार और घाती कर्म। बताऊं मैं आपको, तो अज्ञान तो सभी प्रकार के अज्ञान को अज्ञान कहते हैं, एक प्रकार का नहीं है, सभी प्रकार का अज्ञान है। इसमें जो आपने घाती कर्म बताया, वो अज्ञान के चार फेसिस हुए, चार फेसिस। बराबर। ये अज्ञान कितने प्रकार के हैं? तो के ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय अंतःकर्म, ये फंडामेंटल चार प्रकार के कैटेगरी के अज्ञान सभी के अंदर अलग अलग लेवल पे होता है। और बाद में लास्ट में क्या बताया? अज्ञान, सूक्ष्मतर अहंकार और घाती कर्म। सूक्ष्मतम अहंकार और घाती कर्म, बताओ। सूक्ष्मतर। तो सूक्ष्मतर जो अहंकार है वो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म चार्ज करते हैं। बराबर। संसार के लिए लायक और सहायक कर्म चार्ज करना वो सूक्ष्मतर है, और सूक्ष्मतम है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म चार्ज करता है। बराबर। तो ये तो अज्ञान होना, घाती कर्म होना और सूक्ष्मतर आगा। मगर ऐसा नहीं है कि सूक्ष्मतर कर्म के साथ सूक्ष्मतम कर्म नहीं होते, होते पैरेलल होते हैं। और घाती कर्म के साथ अघाती कर्म जो है वो भी निकल रहा है, तो घाती कर्म की मात्रा कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, हो सकता है। मगर जो डेवलपमेंट है हमारा वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीनों शब्द से अलग है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ने भले अज्ञान है मगर जो समझने की जो क्षमता है, आज आप अज्ञान समझ सकते हैं, वही कैपेसिटी से आप विज्ञान भी समझ सकोगे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात डेवलपमेंट है, और इसीलिए मेरे हर सत्संग में मैं डेवलपमेंट के ऊपर वेट दे रहा हूँ। मैं मन वचन काय की क्रियाओं में वेट नहीं दे रहा हूँ। तो अज्ञान को कैसे हम नाश करें यूनिवर्सल ट्रूथ को समझ के, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो आपने तीन बात बताई वो करेक्ट है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। दूसरा एक बात था स्वामी जी, कि लेपायमान भाव जो जड़ के भाव है वो
चार प्रतिष्ठित आत्मा को इफेक्ट करते हैं ना। लेपायमान भाव है, वो प्राकृत भाव है, जड़ भाव है, मगर वो इफेक्ट करते हैं डिस्चार्ज वाले को पहले, क्योंकि डिस्चार्ज वाले ने ही पिछले अवतार में चार्ज किया था इस संजोगों का, तो इनको तो इफेक्ट होना कंपलसरी है, विदाउट ऑप्शन। मगर चार्ज वाले को इफेक्ट होता है अगर इनकी कमजोरी है, अज्ञान है, तो इफेक्ट होगा। अगर विज्ञान में रहता है, सेपरेशन में रहता है, तो इनके इफेक्ट नहीं होगा। दो ऑप्शन उनके पास है, डिस्चार्ज के पास तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा स्वामी जी पूछना था कि जो भाव कर्म से जो द्रव्य कर्म बनते हैं और अपन नया जो बॉडी लेते हैं जो कुदरत अपन को देती है, तो कुदरत जो है खाली मैकेनिज्म देती है कि उसमें पावर इटसेल्फ भरा हुआ रहता है, क्या मूल आत्मा की प्रेजेंस से वो मैकेनिज्म एक्टिव होता है, वो समझना। बताओ कुदरत क्या करती है, पावर का इफेक्ट देने का मैकेनिज्म देती है। क्या देती है? मैकेनिज्म को कहते हैं सरकमस्टेंसेस। क्या बोलते हैं? सरकमस्टेंसेस। जैसे गति सहायक, जैसे जड़ तत्व देंगे अवस्था के रूप में, फिर गति सहायक देंगे, फिर चिति सहायक देंगे, फिर टाइमली देंगे, फिर स्पेस देंगे जिसमें ये प्रोसेस हो रही है। तो ये सब कुदरत देती है, कॉज हमारा है और इफेक्ट के लिए ये मैकेनिज्म देती है। पावर तो हमारा है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो पावर होता है वो न्यूट्रल होता है। इसमें से आप लाइट भी जला सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं, एसी भी चला सकते हैं, गीजर भी चला सकते हैं, मिक्सर भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आप चला सकते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म है और पावर न्यूट्रल है। बराबर, तो इसलिए ये समझने में आसानी हो जाती है। एक मिनट, आत्मा का पावर हमेशा न्यूट्रल होता है और प्रतिष्ठा पावर अपने भावों के मुताबिक चार्ज है और चार्ज के मुताबिक कुदरत हमको मैकेनिज्म बराबर। दूसरा, इसलिए अपन को समझने में आसानी रहेगी कि यदि किसी प्रकृति में अपन को परमात्मा देखना है, यदि वो एक्टिव मोड में है तो इसमें आत्मा का प्रेजेंस है तभी वो एक्टिव है, वो समझना ठीक है। वो तो आप श्वास लेते तभी आत्मा है तभी ले सकते हैं। तो आत्मा का प्रेजेंस होने के लिए तो लाखों एग्जांपल है कि जिसके आधार से अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतने सारे एग्जांपल है। आप किसी को माता पिता मानते हैं क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है और आपके अंदर भी आत्मा है। अगर वो माता पिता के अंदर आत्मा चला जाएगा तो आप इसको कहेंगे डेड बॉडी है, इसको जला दो। स्वामी जी, आपका पुराना 95 का भी सत्संग सुनते हैं और आज भी सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अभी जो बोल रहे हैं ना तो ज्यादा इफेक्टिव लगता है, तो क्या आपका दर्शन कुछ अपग्रेड हो रहा है स्वामी जी, क्या क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेस है? वो तो अपने आप देखो, जिस प्रकार से हमारा दर्शन जो है खुला तो हुआ है, मगर निमित्त के आधार से और खुला होता है। पहले लो लेवल के प्रश्न थे तो उसी प्रकार से खुला रहता था, पहले लोग 5 आज्ञा की बात ज्यादा करते थे तो उसी लेवल से मेरा दर्शन की बात खुली रहती थी। अभी विज्ञान के प्रश्न करते हैं तो ये विज्ञान की बात करता हूँ। अभी धीरे धीरे मैच्योर होके हायर लेवल के अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों को क्वेश्चन होता है तो उसी लेवल का विज्ञान मेरे पास स्टॉक में है, मगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुला होता है। जैसे दादा भगवान ने कहा, मैं तो बड़ा साइंटिस्ट था मगर मेरे को कोई प्रश्न करने वाला नहीं मिला तो साइंस नहीं निकला, मतलब उसके पास नहीं था, वो तो प्रश्न है ही नहीं। नहीं, बराबर। मगर निकालने के लिए भी संजोग चाहिए, ये प्रूव होता है। बराबर, मैं अपनी मर्जी से विज्ञान होते हुए भी निकाल नहीं सकता हूँ विदाउट एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कि अभी अभी जो आपका जो अपग्रेड होगा वो नेक्स्ट बर्थ में और पावरफुल होके आएगा, वो तो सवाल ही नहीं हो, तो आएगा नहीं आएगा। और अभी भी आगे आगे नया नया खुलेगा, वो संजोग के ऊपर। बराबर, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं खुलेगा, मगर प्रश्न करने वाले कोई विचारक आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे तो बात भी ऐसी निकलेंगी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सोमचंद्र जी,
सोमचंद जी का मैं प्रश्न ले लूं, उन्होंने मेरे को भेजा है। सोमचंद जी अभी आप सुनना, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं, मोबाइल में आया है। परम पूज्य स्वामी जी सादर जय सच्चिदानंद, कृपया निम्न प्रश्नों की विस्तृत जानकारी पर प्रकाश डालें। प्रश्न नंबर एक, क्या जागृत अथवा अजागृत दोनों ही अवस्थाओं में कर्मों की चार्जिंग होती है? हाँ, जागृत अजागृत वो प्राकृतिक अवस्था है, प्रतिष्ठित आत्मा कभी व्यवहार नहीं होता है, वो तो हर अवस्था में, आप रात को सो जाएंगे तो भी जागृत रहेगा, आप अनकॉन्शियस होंगे तो भी जागृत रहेगा, और आप एक्टिविटीज करते तो भी जागृत रहेगा। प्रतिष्ठित आत्मा कभी अनकॉन्शियस नहीं होता है, प्रकृति कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो सकती है, वो आराम के सो भी सकती है, प्रतिष्ठित आत्मा कभी सोता नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म नहीं है। समझ में आया क्या? आगे ले जाओ। ओके ओके, प्रश्न नंबर दो, कुदरती रचना में छह तत्वों का क्या रोल है? कुदरती रचना में छह तत्वों का क्या रोल है? फिर आपने लिखा है, एक, जीव तत्व सिर्फ प्रकाश है या प्रकाश प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश को देना स्व पर प्रकाशक के रूप में, यह उनका रोल है। दूसरा है अजीव तत्व यानी पुद्गल का परमाणु, जिसके ऊपर कर्म जिस ऊपर भाव कर्मों का कोटिंग होता है, इसे भी सिर्फ उसकी हाजिरी ही है, उसका खुद का कोई रोल नहीं है, तो क्या ये भी कैटालिस्ट ही है? हाँ, तो जो परमाणु तत्व है वो परमाणु छह तत्व कैटालिस्ट ही है, क्योंकि छह तत्व कभी मूल रूप से परिवर्तन नहीं होते हैं, मगर उनकी हाजिरी से जो अवस्था होती है उनका सर्जन विसर्जन होता है। तत्व तो छह शाश्वत ही है, उनका सर्जन भी नहीं है विसर्जन भी नहीं है, मगर अवस्था के रूप में वो सहायक होते हैं, मगर मूल रूप से वो शाश्वत होते हैं। तो छह तत्व कैटालिस्ट ही है, आत्मा चेतन के रूप में कैटालिस्ट है, बाकी जड़ के रूप में कैटालिस्ट है, बराबर। तो ये भी कैटालिस्ट है यहाँ। फिर तीसरा तत्व अलग बताया, गति सहायक तत्व कर्मों की कोटिंग डी कोटिंग करने का कार्य करता है, तब स्थिति सहायक तत्व का क्या रोल होता है? देखो, गति सहायक और स्थिति सहायक दो तत्व का रोल को रिलेटेड है, गति है उनका भी बिगिनिंग एंड है और स्थिति है उसका भी बिगिनिंग एंड है, तो को रिलेटेड है। आपको बैठना है वो भी एक टाइम जोन है, और चलना है वो भी एक टाइम जोन है, तो गति सहायक स्थिति सहायक को रिलेटेड है। जैसे हम ब्रीदिंग लेते हैं तो गति सहायक तत्व है, मगर ऑर्गन जो है वो स्थिति सहायक है, तभी वो गति सहायक तत्व काम कर सकता है, तो एक दूसरे का को रिलेटेड है, गति सहायक और स्थिति सहायक। फिर चौथा तत्व है, आपको समझ में आया? हाँ, बाजू, हाँ हाँ, अभी आगे चार, क्या जब कर्म कोड होता है उसी वक्त उसके डी कोड होने का समय और स्थान तय हो जाता है, अथवा जीवन के अंतिम समय में प्रत्येक परमाणु के डी कोडिंग के स्थान और समय का निर्धारण होता है? हाँ, अंतिम समय में होता है, अंतिम समय में उनकी उनकी क्वालिफिकेशन डिसाइड हो जाती है, मगर उसका कब परिपक्व समय होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये लास्ट मोमेंट पे होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, आप कभी भी आपके जीवन का कर्मों का परिवर्तन क्षमा मांग के कर सकते हैं, तो फिर फाइनल कैसे होगा? तो इसीलिए हाँ, लास्ट मोमेंट पे बिफोर यू डाई, उससे पहले हो जाता है, बराबर। फिर परमाणु के डी को, बाकी सब आ गए, आप सभी आ गए, आ गए। और कोई प्रश्न करना है आपको? नहीं, बस जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, पालीताना से पिंटू दोषी बोल रहा हूँ। बोलिए स्वामी जी। स्वामी जी, प्रश्न ऐसा होते है कि कभी कोई महात्मा से बात करते विज्ञान की, विज्ञान की बात करते है स्वामी जी, तो जो ये पहले जो प्रश्न आया ना उसके ऊपर ये कभी कभी क्वेरी हो जाता है कि हम जैसे बात करते है कि
कर्म चार्ज होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं उनको कि ऐसे नहीं है, लास्ट बर्थ में ही कर्म चार्ज नहीं होते हैं, हम उनको ऐसे समझाने की बात करते हैं ऐसे। समझी वो सामने से ऐसी बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे कि ये शुद्धात्मा का हमें ज्ञान मिल गया है तो हम फिर नए कर्म चार्ज क्यों नहीं होते, तो उनका जवाब ऐसा रहता है कि समझ लो हमारे पास 1,00,000 कर्म का स्टॉक है, तो वो जिस वो खत्म हो जा रहा है तो उसके लिए 3-4 भव 5 भव लगेंगे और ज्यादा कर्म रहेंगे तो 15 भव लगेंगे, उसके बाद तो हम छूट ही जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। ये ज्ञानी ऐसा है जो अपने आप काम करेगा, हमें उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जवाब आता है। तो उसके बारे में आप जरा हमको वो विजन दीजिए कि क्या समझ में, ऐसे हम भी फिर उसको बोल नहीं सकते, चलो ठीक है फिर आपकी समझ रखो, ऐसे करके हम निकल जाते हैं। देखो सिंपल बात ये है, हर अवतार में, हर मनुष्य अवतार में अगला पूरा मनुष्य भव पैदा होने का कर्म बनता है, पेंडिंग कर्म की बात नहीं है, हर कर्म बनता है जिससे जन्म होता है, जीवन होता है और मृत्यु होती है। आज की तरह ही जैसे आप भी, हमारा जन्म जीवन मृत्यु है और आज हमने ज्ञान लिया है, नेक्स्ट बर्थ में वही जन्म जीवन और मृत्यु रहेगा आपका, तो अभी जो कर्म की भुगतान है उसी कर्म की भुगतान आपको नेक्स्ट बर्थ में भी लेंथ वाइज, समय वाइज, प्लेस वाइज, व्यक्ति वाइज करनी पड़ेगी जो आज कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद भी करनी पड़ेगी, जहां तक आपका अज्ञान खत्म नहीं होगा वहां तक आपको करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जन्म मरण का जो चक्कर है, जहां तक अज्ञान है वहां तक चलता रहेगा, तो इसीलिए अज्ञान निकल गया। और आप कहोगे मैंने वो उस बहन को भी समझाया कि अगर कर्म चार्ज नहीं होता है तो वो महावीर की दशा है, तो बोला महावीर की दशा भी नहीं है और बोला अज्ञानी की भी दशा नहीं है, तो दोनों में से आप एक स्वीकार करो, महावीर को कर्म चार्ज नहीं होता है, आप कहते तो मेरे को कर्म चार्ज नहीं था, तो दोनों की दशा एक हो गई, तो वो भी स्वीकारना नहीं है, ये भी स्वीकारना नहीं है, मतलब वो कंफ्यूज है। बरोबर स्वामी जी। अगर आप कहेंगे कि मेरे को कर्म चार्ज नहीं होता है, ठीक है, महावीर को भी कर्म चार्ज नहीं होता है, फिर पुरुषार्थ क्यों कर, फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है, उनको भी नहीं करना है क्योंकि मोक्ष में जाना है, हमको भी नहीं करना है क्योंकि मोक्ष में जाना है, कर्म तो चार्ज होता नहीं है तो फिर पुरुषार्थ क्या करना है, तो कुछ सेंस तो होनी चाहिए ना। बरोबर स्वामी जी, बरोबर समझ में आ रहा है अभी बात। गोल गोल बात करना है, नहीं स्वीकारना है, विरोधी करना है तो ठीक है अपनी मर्जी है, हम कहां मना। तो कहने का मतलब ज्ञान लेने से अज्ञान खत्म नहीं होता है, ज्ञान लेने से दृष्टि प्राप्त होती है, वो दृष्टि का अगर उपयोग करोगे सही तरह तो ही अज्ञान खत्म होगा और तो ही आपके कर्मों की निर्जरा होगी और नए कर्म उसी प्रकार के नहीं बनेंगे, मगर उसी समय भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक कर्म तो बनेंगे क्योंकि आपने ज्ञान के उपयोग का पुरुषार्थ किया है। ठीक है, बरोबर है स्वामी। कर्म नहीं बनेंगे ये तो अनप्रिंसिपल बात है। हाँ, लास्ट बर्थ में क्यों कर्मचार नहीं होते, क्योंकि अज्ञान नहीं है और कर्मचार करने वाला प्रतिष्ठा आत्मा भी नहीं है, तो फिर कर्म कैसे चार्ज होगा, और प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है क्योंकि अज्ञान नहीं है तो जरूरत भी नहीं है, इसीलिए लास्ट बर्थ में कर्म चार्ज होने की प्रक्रिया नहीं होती है और इसीलिए लास्ट बर्थ में आत्मा का अंत होता है कुदरती रचना के अधीन, अरे प्रकृति का अंत होता है कुदरती रचना के अधीन और आत्मा का मोक्ष होता है, तो इसमें कहां कंफ्यूजन है। ये स्वामी जी आपने अभी बताया तो हमारा भी जो उंडे जो सूक्ष्म में जो डाउट रहता था ना वो भी निकल जाता है अभी, ऐसा समझ में आ रहा है एकदम, पर अब हम भी पूरा नहीं समझे थे, अभी आपके ये बताने से पूरा समझ में आ रहा है। ओके 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 ओके, जय सच्चिदानंद। आरती स्वामी जी, हमने सवाल पूछे, जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आती है स्वामी जी, तो मैं गुस्से नहीं था, सवाल पूछू छुटे गुस्सा नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आया, सवाल पूछो छेटले कहू छू। हाँ तो पूछो ने, पर कहा किसने मना किया, इसके लिए तो आपको ओपन किया है। स्वामी जी मैंने पूछू तो के साइकिल के भी इतना चले, चौथो वालों पांचवा वाला साइकिल के भी इतना आए,
किसकी साइकिल कैसे चलती है? जो चौथो आरो पांचवां साइकिल के भी इतना मक्खी हुए भी नहीं। मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, साइकिल कैसे चालू हो रही है और कैसे चलती है वो बताओ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कभी किसी और का सत्संग अभी तक आप सुनते हैं या नहीं सुनते? हमरा तो कोई ना सामने, तमारू सामने छे हमरा। नहीं हमरा नहीं, हमरा नहीं बात जवा दूं, बे महीना चार महीना छह महीना नहीं बात नहीं करतो, वो आखा लाइफ नहीं बात करू। ખ્યાલ નતો રહેતો, ના ના એ તો સમજી ગયો, નવા નવા તમે હતા એટલે તમારો ખ્યાલ નતો રહેતો, પણ તમે નવા હોય, પહેલી વખત નવા હોતો કે ત્યાં ઘડી ત્રણ વર્ષ જાય તો તમે નવા કેવા હોય? હિંમત આ જતી કોને ખબર થઈ ગઈ, હિંમત થઈ જાય છે તમને પૂછવાની। और इसीलिए आपको मालूम होता है कि जो व्यक्ति का उत्तर अगर सरल होता है, जो व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है, उसके आगे प्रश्न करने का मन होता है। जो व्यक्ति गुस्सा करती है, डोमिनेंट करती है, फोर्स करती है, तो वहां लोगों का मन नहीं होता है। ये बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा, समझना नहीं स्वीकारना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो, गोल गोल नहीं चाहिए मेरे को। ओके ओके okay. और ये सब रिकॉर्डिंग होता है, दुनिया में रिकॉर्डिंग जाएगा आपका। ओके okay? अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, यानी मेरे पास डर के नहीं आना, और डरना है तो आना नहीं है, ठीक है? ओके okay. तो ये जो काल चक्र है, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा, छठा आरा, उसके बाद ये उतरता हुआ काल है, फिर चढ़ता हुआ काल आएगा। ये सब कुदरती रचना है और कुदरत ने उसका टाइम जोन फिक्स किया है, और उनकी क्वालिटी भी, ये काल में क्या होगा वो क्वालिटी भी कुदरत ने फिक्स किया है। अभी आपका और क्या प्रश्न है? ना काई नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुधा बहन जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बैंगलोर से सुधा बोल रही हूँ। बोलिए। जय सच्चिदानंद। ये हम बीज डालते हैं, वो उगने के लिए बहुत, अभी कर्म का बीज डालना नेक्स्ट जन्म के लिए, तो कितना साल लगता है वो? हमारा मनुष्य हो तो इमिडिएट आएगा, नहीं तो कल ऐसे नर्क में जाके ऐसे बहुत साल लगेंगे मनुष्य जन्म लेने के लिए। ऐसे अभी तीर्थंकर बीज डालते हैं तो क्या इस काल चक्र में, एक काल चक्र में एक 24 तीर्थंकर होते हैं, वैसे अभी नेक्स्ट काल के लिए बीज पड़ता है कि उसी काल में उसी तीर्थंकर बनने के लिए बीज पड़ सकता है? नहीं, तीर्थंकर बनने का बीज तो कभी भी पड़ सकता है, उसके बाद आपके 5, 25, 50, 100 अवतार भी हो सकते हैं। उसमें मनुष्य के भी अवतार हो सकते हैं। तीर्थंकर का बीज अलग चीज है और तीर्थंकर की लाइफ का बीज वो अलग चीज है। तीर्थंकर का बीज का मतलब तीर्थंकर की लाइफ नहीं, वन ऑफ द कर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे को नेक्स्ट बर्थ में चोरी करना है, क्या एक ही भावना से मैं चोर बन जाऊंगा? नहीं, मेरे को माता पिता चाहिए, भाई बहन चाहिए, पति पत्नी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई चाहिए, काम करना चाहिए, मेरी प्रकृति को डेवलप करने वाला चाहिए, जो फील्ड में जाने वाला हूँ, इनके लिए संयोग भी चाहिए,
अच्छे व्यक्ति मेरे मिलेंगे, बुरे व्यक्ति मेरे को मिलेंगे, ये सबका भी संयोग चाहिए कि नहीं चाहिए। मगर आपने कहा कि मैंने कर्म का भाव डाल दिया कि मैं चोर, मैं मेरे को चोरी करना है तो नेक्स्ट मैं चोर बन जाऊंगा, ऐसे बनते नहीं है। पूरी लाइफ का पैकेज बनेगा तभी वो जन्म लेगा, और जन्म के अंदर चोरी का करने का हिस्सा भी उसका होगा, और भी बहुत सारे कर्म होंगे। नहीं समझ में आया? तो वो तीर्थंकर बीज डालना और तीर्थंकर का लाइफ का सेटअप होना, उसमें टाइम रहता है? नहीं, उस वो अलग अलग चीज है, ये बताना चाहता हूँ। टाइम लगता है ऐसा नहीं कहता हूँ, अलग अलग चीज है। तीर्थंकर बांधने के बाद 5 साल में भी तीर्थंकर बन सकता हूँ, 25 साल में भी बन सकता हूँ, 50 साल में भी बन सकता हूँ, 100 साल में भी बन सकता हूँ। मगर एक बेस बना दिया, बाकी का बेस कभी भी मैं बना सकता हूँ, वो डिपेंड ऑन माय ज्ञान दर्शन एंड माय रिक्वायरमेंट। समझ में गया। मैंने वो बोलते हैं कि तीसरा और चौथा आराम में ही तीर्थंकर होते हैं, वो तो बराबर है। तो तीसरे आरे में बीज डाल के इमीडिएट भी चौथे आरे में तीर्थंकर हो सकता है? नहीं, तीसरे आरे में नहीं होते हैं, चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं। मगर वो तो पहले जब यहाँ मनुष्य भव में था उस समय उसका डेवलपमेंट था, उस समय उन्होंने तीर्थंकर की भावना किया था और तीर्थंकर के लाइफ का बीज भी डाला था। उसके बाद लंबा समय काटने के लिए या तो वो नर्क गति में गया या देवलोक में गए। आपका वीडियो समझ में आया? लंबा समय काटने के लिए, ये पूरा चक्कर काटने के लिए, क्योंकि लास्ट बर्थ में भी अगर पांचवे आरे में कर्म बंद हो सकता था, छठे आरे में धर्म नहीं होता है, तो वो पांचवे आरे में था तभी उसका कर्म बंद हो चुका था। उसके बाद छठे आरे और पहला दूसरा तीसरा में नहीं होता है, डेवलपमेंट भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मगर जो कर्म चार्ज कर दिया उसके बाद हो सकता है वो देवलोक में भी गए लंबे समय के लिए, नरक लोक में गए लंबे समय के लिए, और फिर जब यहाँ सतयुग आया तो फिर उसका जन्म हुआ और एक दो या तीन अवतार में उसका तीर्थंकर बन के मोक्ष में जा सकते हैं। तो एक काल चक्र तो होगा ही फिर, वो तो होगा ही ना, तो इसमें क्या करेंगे? जब आपको तो एक तो काल चक्र नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं एक काल चक्र, ऐसे दो तीन काल चक्र भी के बाद कभी बीच पड़ सकता है, मतलब उसका टाइम ले सकता है। तो इसी कोई भी व्यक्ति है वो तुरंत तीर्थंकर नहीं बनते हैं, उनके लिए बहुत सारी मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये लोग जिस प्रकार से चमत्कार के भाव, चमत्कार की भाषा में वो तीर्थंकर बनने का जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो करेक्ट नहीं है। तीर्थंकर बनने के लिए, मैच्योरिटी होने के लिए बहुत सारे मनुष्य भाव का लेना चाहिए, बहुत सारे ज्ञानी के रूप में अवतार लेना पड़ता है, धीरे धीरे उसकी मैच्योरिटी आती है। क्योंकि देखो तीर्थंकर बनने का मतलब लाखों लोगों का सिर्फ वन वे कल्याण है, वन वे ही मुक्ति के मार्ग बताना है, आपको उसमें से कुछ भी पाना नहीं है। न मान पाना है, न सम्मान पाना है, न संपत्ति पाना है, न सत्ता पाना है, कुछ भी पाना नहीं है। तो कुछ भी पाने के अलावा सब कुछ देना है, उनके लिए भी मैच्योरिटी चाहिए। अभी तो हमारा व्यवहार चलता है क्योंकि कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। जब कुछ देना ही नहीं है तो ये मैच्योरिटी इतना आसान नहीं होता है, नहीं। और इसीलिए ज्यादातर लोग देवली बन के मोक्ष में जाते हैं। तो मोक्ष जल्दी मिल सकता है, मोक्ष की कामना करने से जल्दी मिलता है, तो जगत कल्याण करने से लेट हो जाएगा? जगत कल्याण की भावना करना वो क्रेडिट के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको तीर्थंकर बनना है इसीलिए जगत कल्याण की बात करते हैं। अगर आपको जगत कल्याण की भावना का मतलब, जैसे मेरे अंदर अज्ञान निकल रहा है और मैं आनंद अनुभव कर रही हूँ, मन वचन काया से मुक्तता की अनुभूति कर रही हूँ, वो मेरे परिवार में भी सब अनुभव करे, वो मेरे फ्रेंड्स भी अनुभव करे, रिलेटिव्स भी अनुभव करे, नेबर भी अनुभव करे, और बहुत सारे लोग ये विज्ञान पाके मुक्तता का अनुभव कर सके, ये भावना से आपको क्रेडिट मिलती है। कौन सी क्रेडिट? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, क्योंकि
आपकी ये भावना निस्वार्थ भावना है, मगर उसमें भी लोगों को कल्याण की भावना छुपी है। कोई गलत भावना राग द्वेष क्रोध मान मायालोभ नहीं है, तो इसीलिए वो क्रेडिट आपको मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक संजोगों में सहायता करेंगे। समझ में आया? जय सच्चिदानंद। और किसी का प्रश्न है? जय सरल स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कि यहाँ पे मनुष्य की आयु होती है एवरेज 100 वर्ष, और पशुओं की आयु होती है वो भी होती है कि 50 साल। इस पर अपन कर्म भोगते हैं, बट जो नर्क गति और स्वर्ग गति होती है तो उसमें इतना लंबा ड्यूरेशन क्यों होता है स्वामी जी? वो तो कुदरती कानून में हम क्या करेंगे, कुदरत ने जो रचना बनाई है वो कुदरती कानून से बनते हैं, लंबा टूका, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार की नर गति के आयुष्य कर्म अलग अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट नर गति का कर्म कम होता है, सेकंड का ज्यादा, थर्ड का उससे ज्यादा, फोर्थ का इससे ज्यादा, छह का इसके ज्यादा, सातवीं कर्म सबसे लंबी होती है, भारी होती है। ऐसे देवलोक में पहले दो देवलोक में कम आयुष्य होता है, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में ज्यादा, चौथे में ज्यादा, पांचवे में ज्यादा, छठे में मैक्सिमम होता है। ये कुदरत की रचना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं, वो सही है। स्वामी एक प्रश्न और था, जो एक प्रश्न में या आंसर याद है कि ज्ञान अग्नि के द्वारा जो अपन पेंडिंग कर्म जलाते हैं तो उसमें वो अपने ही कर्म जला सकते हैं कि किसी दूसरे को भी कर्म जला सकते हैं, मैं ये सत्य रहती है क्या? ज्ञान अग्नि से अपने ही कर्मों को हम जला सकते हैं और दूसरे को वो अपना ही अज्ञान खत्म करने की दृष्टि दे सकते हैं, जला नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे जी जय सकते जाए। अभी सुरेश भाई। हाँ स्वामी जी, अब लगभग हो गए, भारती बहन को एक फिर से कुछ पूछना है। कमलेश। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, बोलिए बोलिए। इसको लगाते हुए आवाज आई, आवाज आ रही है स्वामी जी मेरी? स्वामी जी, जब भी हम स्कूल लाइफ में होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं काफी, तो उसमें मतलब उसमें नफरत वगैरह राग द्वेष तो नहीं होता है उस टाइम पे, क्योंकि बुद्धि इतनी डेवलप नहीं होती है। लेकिन लेकिन जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सब फर्स्ट आना है, तो उसमें ईर्ष्या स्पर्धा जरूर का भाव जरूर आता है, ईर्ष्या स्पर्धा जो होती है, तो उस ईर्ष्या स्पर्धा से उससे भी क्या कर्म चार्ज होते हैं, या राग द्वेष और ईर्ष्या स्पर्धा दोनों में फर्क क्या रहता है? ईर्ष्या स्पर्धा भी कारण है कॉजेज जलने का? ये हमारे संजोग लेकर आए हैं, और संजोग लेकर आए तो ज्ञान, तो माता पिता हमको ज्ञान दे रहे, जो ज्ञान से हमारी कंपटीशन कंपैरिजन बढ़ती है। हाँ। वो भी उदय कर्म है, मगर अच्छा। उसके साथ हमारा जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयाकार होके ये करता है तो फिर नया कर्म भी चार्ज होता है। उस मतलब छोटे बने में भी हो जाता है कर्मचार्ज? कर्मचार्ज तो माता के गर्भ में से कर्मचार्ज होता है। अच्छा, वहां भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। माता ठंडी गर्मी का अनुभव करते हैं तो बालक पेट में भी ठंडी गर्मी का अनुभव करते हैं। माता ज्यादा मिर्ची खाता है तो उनको भी उनका इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इफेक्ट ही है। मन वचन का है तो इफेक्ट ही है, माता के घर में रहो या बाहर रहो। तो चार्जिंग वहां पर भी है? अच्छा अच्छा, एक्शन रिएक्शन होगा तो चार्जिंग तो होगा ही ना। अच्छा, आपको आपको एस्ट्रोलॉजी वाले कोई व्यक्ति को पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे मेरे ये तारीख को हुआ, तो वो ये तारीख उसमें 9 महीना एड कर देते, उस समय आपका जन्म हुआ है। और बाद में आपका कर्म चार्ज हुआ शुरू हुआ और नेक्स्ट बर्थ में वहां से ही डिस्चार्ज होगा, माता के घर में से ही। अच्छा, ये साइंस है, वो कोई नई बात नहीं करता हूं मैं। अच्छा, हमने तो इन्होंने उसके ऊपर सिर्फ फोकस नहीं डाला, और कुछ बात नहीं है, फोकस नहीं डाला है बस। तो बुद्धि तो डेवलप होती नहीं है कि, तो ये पिछले बर्थ की बुद्धि चली आ रही है, एक क्या है मुझे भी क्लियर नहीं हुआ। बुद्धि जी डेवलप होती है वो आपने बताया, वो मतलब ये है
कि जो व्यवहार को भुगतान करने की या तो व्यवहार को समझने की बुद्धि है वो डेवलप हाँ. नहीं होती है, क्योंकि उस समय जरूर भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार है ही नहीं. हाँ, हाँ. मगर अभी उस समय भी वो तो ज्ञान उनके पास है कि ये करने से ठंड लगती है, ये करने से गर्म लगती है, ये करने से हमको अच्छा नहीं लगता है, ये करने से अच्छा लगता है, वो भी गर्भ में उसको मालूम होता है. हाँ. इसको कहते संगना, संगना आहार भय मैथुन निद्रा, संगना से उसका जीवन होता है, उसमें ज्यादा हाँ. भी जरूरत नहीं होती है. अच्छा अच्छा, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है. तो ये जो फोर्स राग द्वेष वाला जो फोर्स होता है, ये जो बाद में ये कर्म चार्जिंग में, मतलब इन दोनों में फर्क तो है ना, फिर दोनों में फर्क तो है. फर्क हाँ. तो है, मगर हाँ. प्रिंसिपल ये है कि माता के गर्भ में से ही सफरिंग भी चालू होता है और कॉज हाँ. भी चालू हो जाता है. ये बात आपको समझनी चाहिए बस. अच्छा, बाद में मैच्योरिटी तो समय समय पे खुली होगी, उसमें तो हाँ. मना करते ही नहीं है. जैसे हाँ, जैसे आपने शादी नहीं किया है उस समय मैच्योरिटी अलग थी, अभी हाँ, शादी करने के बाद 5 साल के बाद मैच्योरिटी अलग होगी, फिर बच्चे को पढ़ाओगे, उनकी शादी करवाओगे तो मैच्योरिटी फिर अलग आएगी. तो ये तो बदलता ही रहेगा, मगर वो डिस्चार्ज रूप में मैच्योरिटी खुल रही है, वो नई नहीं है, खुल रही है. अच्छा, डिस्चार्ज रूप में मैच्योरिटी खुल रही है इस टाइम, ठीक है. बाद में वो लेके आए तभी तो ओपन हो रही है. हाँ, वो लेकर आए तभी. लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि विराधना का जैसे बताया, तो क्योंकि 2-3 जगह तो जा चुके हैं क्रमिक में भी, तो वहां पे ऐसा लगता है कि उनके प्रति भाव बिगड़ता ही था, जबकि गलती तो इधर थी कि तो हमने जैसे भाव किया हमको वैसा गुरु मिल गया हमको. तो अभी जो विराधना हो गई, हो चुकी है जो, तो उसको क्या अभी उसको भाव तो बदली करते हैं, उनसे क्षमा भी, मतलब जो भी अंदर चलता है कि गलत हुआ, तो इसके इसके प्रति भी कुछ किया जा सकता है, अभी बदलाव कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बदल गया, कॉन्सेप्ट ही बदल दिया आपने बिल्कुल. कॉन्सेप्ट बदल दिया, वो दृष्टि की बात है, वो मन वचनता नहीं है. हाँ, दृष्टि से बदल गया है अभी. हाँ, बिल्कुल दृष्टि बदल गई. मन वचन का है कि मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है वो, तो कि आपको मन वचन का है, चलना है, सुधारना है, चेंज करना है, वो मेरा सब्जेक्ट. हाँ, मेरा सब्जेक्ट दृष्टि का है, और दृष्टि जितनी बदलती रहेगी आपका उसी लेवल से रहेगा. मगर मन वचन बताया जो डिस्चार्ज के रूप में, वो तो पिछले अवतार हाँ. के रूप में ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. अच्छा अच्छा, भी दृष्टि बदल. हाँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञानी पुरुष के ज्ञान से प्रकृति बदलती है, तो हमको लगता है कि हाँ. ज्ञान लेने के बाद मेरी प्रकृति चेंज हो गई. वास्तव में ऐसा नहीं है. आपकी प्रकृति को बदलने का निमित्त ज्ञानी पुरुष का ज्ञान होता है, तो प्रकृति हाँ. बदलती है, मगर वो भी डिस्चार्ज के रूप में है. अच्छा, जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे आपने बचपन से जो कुछ भी धर्म आपने परिवार के रूप में धारण किया था, माता पिता ने जो आपको सिखाया वो ही आप कर रहे थे. हाँ. और इसको आप पुरुषार्थ भी मानते थे, तप करना, जप करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, माला गिनना, आरती करना, वो आपको इसको पुरुषार्थ भी मानते थे. उसके हाँ. आगे और कोई धर्म गुरु मिला, उन्होंने और कुछ बातें बताई, वो भी हाँ. आप फॉलो करते रहे, इसको हाँ. भी आपको भी साथ माना. इसके हाँ. बाद आपके दादा भगवान का ज्ञान मिला, और उसके बाद हाँ. उन्होंने कहा हुआ सत साधन को आपने फॉलो किया, इसको भी आप पुरुषार्थ मानते थे. के बाद आपको विज्ञान मिला, फिर विज्ञान में समझ में आया, विज्ञान का है कि अवस्था मात्र ब्रज रत्ना है, तो मन वचन का है कि आपको पुरुषार्थ टाइटल लागू नहीं होता है. तो हर अवस्था में जो आपको प्रकृति कोई व्यक्ति को मिलने से परिवर्तन हुई ऐसा लगता है, वो डिस्चार्ज भाग है. हाँ, नहीं, यहाँ तो दृष्टि परिवर्तन हुआ है, अभी तो दृष्टि परिवर्तन पूरी तरह से. दृष्टि परिवर्तन तो पुरुषार्थ के लिए है. हाँ, वो पुरुषार्थ के लिए, वर्तमान जीवन को बदलने के लिए नहीं है. नहीं है. हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. और कभी कभी एक और प्रश्न कर सकती हूँ स्वामी जी? बोलिए बोलिए. हाँ जी स्वामी जी, कभी ऐसा होता है कि जैसे मन वचन काया पर और पराधीन है, तो एक वाणी की बात लेती हूँ मैं, वाणी की बात एक वो लेकर चलती हूँ वाणी का. तो वाणी जब भी निकलती है तो
उदय कर्म के अधीन निकलती है, सामने वाला भी और इधर से भी जो निकलती है वो भी उदय कर्म के अधीन निकलती है, कभी कर्कशा भी निकलती है या कभी दोषित देख के भी ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद में एकदम से पलट हो जाता है, लेकिन वो तो निकल जाता है। उसमें अगर सेपरेट कर लेते हैं, भले उसको दोषित देख के निकला है तो बाद में उसको निर्दोष देखा, और मतलब क्या अपने को यहाँ पे दोषित मानते रहे या सामने वाले को दोषित मानते रहे, वो भी भाग खत्म हो गया, अभी तो वो भी नहीं आता है। तो इसको पूरा पराधीन करके ही देखे ना, फिर इसको वाणी जो भी निकल रही है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे कंट्रोल में ना सामने वाले के कंट्रोल में, उदय कर्म है ये तो। बराबर इस तरह से करके सेपरेट अगर कर, तो सेपरेट कर लिया तो ये ठीक करेक्ट है ना फिर ये इस तरीके से चलना, तो देखना इस तरह से अपने वाणी का सब्जेक्ट लेके हमारी और सामने वाले की वाणी वो डिस्चार्ज है या तो उदय कर्म है वो आपने माना, अच्छी बात है। मगर सबसे बात मैंने पूछा कि मन वचन का है कि हर अवस्था कुदरती रचना है। हाँ कुदरती रचना, मन भी आ गया, स्पीच भी आ गई, एक्शन भी आ गया, आपका भी आ गया दुनिया की। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया कि कैसे अच्छा बोलना या ना बोलना, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि कुदरती रचना ये तो कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मन वचन काया के जितना डीप में जाऊंगे इतना पजल ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहीं बार कहा कि मन वचन काया जब कुदरत बनाती है, कुदरत चलाती है, कुदरत विसर्जन करती है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसीलिए बार बार हाँ, हमारे लिए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। एक्सेप्टेड, ठीक, 100% ठीक बात है स्वामी जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रश्न करोगे तो मेरे को बाद में यही कहना पड़ेगा कि मन वचन काय की अवस्था मतलब कुदरत, तो जवाब तो एंड वहां ही आएगा, कुदरती रचना वही आएगा। ठीक है, कुदरती बी कंट्रोल, हाँ वही पर एंड आता है। ठीक ठीक बात है, इट्स टोटली कंट्रोल्ड एंड गवर्नड बाय कुदरत। ठीक ठीक स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी ये नारायण बहन और भारती बहन उनका एक बार हो गया क्या, अभी टाइम है आपके पास? नहीं अभी नहीं, अभी टाइम हो गया अभी। ओके ओके, शाम को करिएगा प्लीज, आप शाम को कर लीजिएगा। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है,